जय हिंद एवरी वन माई नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड डिफेंस अकेडमी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो टी ए का एग्जाम होगा टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम जो हमारा होगा उसके अंदर किस तरह के कि जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये एक सीरीज है जिसमें हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम के लिए तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को और रेगुलरली आपको ये सीरीज मिलती रहेगी तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन तो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज क्लास इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स तो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल है हमारा आर्टिकल ऑप्शन है आर्टिकल ग्यारह आर्टिकल उन्नीस आर्टिकल तेरह आर्टिकल पंद्रह आर्टिकल इलेवन नाइनटीन थर्टीन या फिर आर्टिकल फिफ्टीन तो कौन सा आर्टिकल है जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स इस चीज़ को डिफाइन करता है तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे बात हो रही है तो ऑप्शन जो उन सा फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर है आर्टिकल पंद्रह आर्टिकल पंद्रह जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं साथ के साथ मैं इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताने की कोशिश करूंगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू तो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है ऑप्शन आपके लेदर ऑयल सीड्स जूट या फिर कॉटन सिल्वर फाइबर तो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो है वो हमारा किससे संबंधित है किससे रिलेटेड है तो वो कॉटन से रिलेटेड है आप भी साथ के साथ क्या कर सकते हैं इसको एज ए प्रैक्टिस आप यूज़ कर सकते हैं इस सेशन को और जो करेक्ट आंसर है आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो कि सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन है वो किससे एसोसिएटेड है तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो हमारा कॉटन से रिलेटेड है अगर गोल्डन की बात की जाए कि गोल्डन जो रिवोल्यूशन है या फिर गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है वो जूट से रिलेटेड है तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम आई बोलते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ यानी कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को नापते हैं तो वो कौन सा है तो वो जगह है मिर्ज़ापुर तो मिर्ज़ापुर ये कहाँ पर है ये यूपी में स्थित है तो यूपी के मिर्ज़ापुर से जो हम क्या लेते हैं हमारा आईएसटी लेते हैं आईएसटी मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ये जो हमारा मेन जो ग्रीन विच टाइम है उससे कितना आगे है तो उससे आगे साढ़े पाँच घंटे यानी कि फाइव आवर थर्टी मिनट्स फाइव आवर थर्टी मिनट्स ये आगे है तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है आई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मेन टाइम है ग्रीन विच मेन टाइम उससे कितना आ गया है साढ़े पाँच घंटे आ गया है तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर ओपनली आस्ड इन अवर टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम जो होता है आप देखोगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप एनालाइज करते हो तो आप पाएंगे कि बहुत सारे एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये जब तक हमारा एग्ज़ाम है तब तक ये सीरीज आपकी चलती रहेगी तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन फॉर द ऑफिसर एंट्री सो द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल ऑप्शंस आर आरती साहा उज्ज्वला राय निशा मिलेट एंड कर्णम मल्लेश्वरी तो कर्ण मल्लेश्वरी बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि ये तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है यहाँ पे इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली जो महिला थी पहली भारतीय महिला फर्स्ट इंडियन वुमेन वो कौन थी तो ऑप्शन इज आरती साहा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर तो आरती साहा इज़ दी करेक्ट आंसर हुए मंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वीमैन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल तो आरती साहा इज़ दी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दू टी आई बैंक वाज चेंज टू डैश इन 2007 तो नेम ऑफ यू टी आई बैंक ये बताना है भाई आपको आपके सामने ऑप्शन है एच डी एफ सी बैंक आई डी बी आई बैंक सेंचुरियन बैंक एंड एक्सिस बैंक सो यूटीआई बैंक नाम का एक बैंक था यू टी आई नाम का और उसको जो है चेंज कर दिया गया कब 2007 के अंदर चेंज कर दिया गया तो उसका क्या नाम रखा गया है या फिर यू टी का नया नाम क्या है ये आपको बताना है ये आपको बताना है भाई यहाँ पे जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें तो ताकि क्या होगा उससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और अगर आपका क्वेश्चन होगा गलत तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर फोर इज़ दी करेक्ट आंसर तो अगर पूछा जाए कि यू की फुल फॉर्म क्या थी तो वो थी हमारी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक था यू बैंक जो 2007 से पहले उसका नाम था 2007 के अंदर यू बैंक का नाम क्या रख दिया गया एक्सिस बैंक रख दिया गया ये बात आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर फाइव यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्टी गवर्नमेंट अनाउंसेज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड बैकवर्ड कलेस क्लासेज कमीशन इन 1978 तो जो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1978 के अंदर 1978 के अंदर आई थी तो कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने अनाउंस किया था तो आपको पता है कि बैकवर्ड कमीशन ये बड़ा फेमस हुआ था कि बैकवर्ड कमीशन जो बना था वो किसकी सरकार में बना था ये आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी खाली जनता पार्टी या फिर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जब जनता पार्टी की सरकार थी तब बैकवर्ड कमीशन बना था और ये पूछा भी जा सकता है कि सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बना था तो 1978 में बना था ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर हम टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम की बात करें तो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बना था तो 1978 में बना था ये बात हमको ध्यान रखनी है और किसकी सरकार में बना था तो जनता पार्टी की सरकार में बना था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पर और हमको देखना है कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन है हमारा हु इज़ दी राइटर ऑफ बी कमिंग बी कमिंग क्या है बुक का नाम है आपको पता है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुक है बी कमिंग ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है बुक का नाम है बी कमिंग इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के ऊपर हम एक अलग से वीडियो करेंगे और ये जो बुक है हमारी बी कमिंग ये किसके द्वारा लिखी गई है तो ये जो बी कमिंग बुक है ये हमारी लिखी गई है मिशेल ओबामा जी के द्वारा मिशेल ओबामा आपको पता है ओबामा बराक ओबामा की वाइफ ठीक है तो मिशेल ओबामा के द्वारा ये लिखी गई है कौन सी बुक है बी कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्लू जे और इंडियन रोलर इज द स्टेट ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लू जे या फिर इंडियन रोलर इज द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स आपके ऑप्शन हैं फोर फाइव टू और थ्री क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लू ब्लू जे और इंडियन रोलर इज दी स्टेट बर्ड्स ऑफ हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स आपको बताना है जल्दी से जल्दी गैस करना है यहाँ पे कि कितनी जो स्टेट्स है उनका जो है ये ब्लू जे और इंडियन रोलर जो है वो क्या है स्टेट बर्ड है वो स्टेट बर्ड है आपको ये बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा भाई इसका क्या करेक्ट आंसर होगा इसका आपको ये बताना है यहाँ पर तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक यानी कि चार ऐसी स्टेट हैं जिनका जो है ये स्टेट बर्ड है ठीक है इंडियन स्टेट का स्टेट बर्ड है जिसको हम ब्लू जे या फिर क्या कहते हैं इंडियन रोलर बोलते हैं और वे कौन कौन सी स्टेट हैं तो तेलंगाना है तेलंगाना आप लिख सकते हैं तेलंगाना का पूछा जाए आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो आप याद रख ही लेंगे फिर है हमारा कर्नाटका कर्नाटका और एक और स्टेट है हमारी वो आपको बतानी है कि कौन कौन सी ये है यहाँ पे ये आपको बताना है भाई कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट हैं एक हमारा क्या हो गया भाई ओडिशा हो गया तो ये चार ऐसी स्टेट्स हैं जिनका स्टेट वर्ड कौन सा है हमारा ब्ल्यू जे या इंडियन रोलर है चार स्टेट्स हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका और उड़ीसा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कार्ड द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज़ प्रोवाइड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कार्ड कि क्या कहा गया है कि जो अपर पार्ट होता है हमारी रेस्पिरेटरी सांस लेने की जो ट्रैक्ट होती है वो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर से प्रोवाइड किया जाता है तो जो वो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ये हमको बताना है भाई उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ये हमको बताना है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोवाइड की जाती है विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीलिया सी आई एल आई ए इज़ दी करेक्ट आंसर ठीक है ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है 2018 की तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि अब रिसेंट का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉज इज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस आपने सुना होगा कि जो कोयले की खादाने होती हैं कोल माइंस जो होती हैं उनके अंदर नॉर्मली एक्सप्लोजन हो जाते हैं क्या हो जाते हैं एक्सप्लोजन हो जाते हैं तो वे जो एक्सप्लोजन होते हैं वो किस गैस के कारण होते हैं ये आपको बताना है कि कोल माइंस के अंदर जो नॉर्मली एक्सप्लोजन होते हैं वो कौन सी गैस के कारण होते हैं कौन सी गैस के कारण होते हैं कोल माइन के अंदर एक्सप्लोजन जो होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर फोर इज़ दी करेक्ट आंसर यानी कि कोल माइंस के अंदर जो एक्सप्लोजन होते हैं वो मीथेन गैस के कारण होते हैं किसके कारण होते हैं मीथेन गैस के कारण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं और मीथेन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये आप सभी को पता होगा तो सी एच थ्री से हम रिप्रेजेंट करते हैं मीथेन को नाइट्रोजन हमारी एक अलग से गैस होती है जो वातावरण के अंदर एटमोसफियर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैसों के अंदर आती है तो सी ओ टू और नाइट्रोजन हमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है लगभग सेवेंटी एट परसेंट हमारी नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई पिन वैली नेशनल पार्क जो है पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर सिचुएटेड है पिन वैली नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट के अंदर सिचुएटेड है आप जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये स्पेशली जो क्लासेस चल रही हैं ये हमारी डिफेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए हैं और फोकस जो हमारा है वो है हमारा टी ए टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिसर एंट्री का जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर हमारा फोकस है मोस्ट ऑफ दी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो वर्किंग क्लास होंगे तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है तो जो पिन वैली नेशनल पार्क है यहाँ पर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश पिन वैली नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है ये बात आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भवाई इज़ ए फोक डांस फोक डांस आपको पता है कि फोक किसी पर्टिकुलर जगह के जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम फोक कहते हैं जैसे फोक डांस फोक सॉन्ग लोक लोक गीत और लोक नृत्य हिंदी में अगर हम बात करें तो तो ये पूछा गया कि जो भवाई नाम का लोक नृत्य है वो किस स्टेट से है कौन से राज्य से है आपके ऑप्शन है हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात या फिर राजस्थान तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में साथ में मैं बता देता हूँ कि जो भवाई नाम का हमारा लोक नृत्य है वो कौन सी स्टेट से है तो वो है हमारा राजस्थान से कौन सी स्टेट से है राजस्थान से अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया ब्लू रिवोल्यूशन के पिता भारत के अंदर किन्हें कहा जाता है ऑप्शन है वर्गीस कुरियन सैम पित्रोदा हीरा चौधरी या फिर एम एस स्वामीनाथन ठीक है तो यहां पर ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और पूछा गया है कि ब्लू रिवोल्यूशन का जो फादर है वो किन्हें कहा जाता है देखो अगर हम बात करें वर्गीस कुरियन की तो ये हमारे अमूल के संस्थापकों में से एक आते हैं और ये जो वाइट रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे जो कि हमारा किससे रिलेटेड है मिल्क से रिलेटेड है डायरी से रिलेटेड है वाइट रेवोल्यूशन के लिए एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे किससे ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड थे ठीक है सैम पित्रौदा यहाँ पे है नहीं और हमारा ऑप्शन बचा कि हीरा लाल चतुर्वेदी ये हमारे किससे रिलेटेड हो गए भाई ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड हो गए किससे ब्लू रिवोल्यूशन से, से रिलेटेड कौन हुए तो हीराल हीरा चौधरी हीरा लाल चौधरी यहाँ पे क्या हो गए ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड हो गए अब आपको ये बताना है कि जिस तरीके से वाइट रिवोल्यूशन होता है वो मिल्क से रिलेटेड है ग्रीन रिवोल्यूशन है वो खेती से रिलेटेड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दि बी एन्दू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल डेफिनेटली पूछे ही पूछे जाते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स इवेंट्स आपको पता होने चाहिए नंबर ऑफ प्लेयर्स कौन कौन से अवार्ड्स एंड ओनर्स होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पेशली ये आपको पता हो तो दिब्यन्दू बरुआ इज एसोट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स ऑप्शंस आर चेस हॉकी स्नूकर या फिर टेनिस चेस हॉकी स्नूकर या फिर टेनिस तो दिब्यंदू बरुआ जो है वो किससे रिलेटेड हैं वो चेस से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है चेस यानी कि शतरंज से रिलेटेड हैं चेस चेस का जो जिसपे हम चेस खेलते हैं उसके अंदर कितने बॉक्स होते हैं तो उसके अंदर होते हैं सिक्सटी फोर एट इंटू एट एट मल्टीप्लाइड बाई एट टोटल पता होनी चाहिए Next question देखो. विच ऑफ दोट ए न्यूक्लियर स्टेशन नोट कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हमें जरूर अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि यहां पे नोट पूछा गया ना कि यह पूछा गया कि कौन सा है जब हम एग्जाम में होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है आपको इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन पता होने चाहिए और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है तो रामागुंडम नाम का कोई भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है यहाँ पे रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है बिल्कुल नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये तीनों न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं लेकिन रामागुंडम न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट तो क्विट इंडिया मूवमेंट्स वी कॉल इन हिंदी भारत छोड़ो आंदोलन तो ये जो मूवमेंट था ये कब स्टार्ट हुआ था ये किस वर्ष स्टार्ट हुआ था ये बात आपको बतानी है तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये आप सभी को पता होगा कि 1942 में स्टार्ट हुआ था कब हुआ था 1942 में स्टार्ट हुआ था हु हुआ रिस्पॉन्सिबल महात्मा गांधी महात्मा गांधी तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन नाइनटीन फोर्टी टू विच स्लोगन वॉज गिवन बाई महात्मा गांधी करो या मरो करो या मरो करो या मरो का नाला दिया गया ठीक है महात्मा गांधी जी के द्वारा नाइनटीन फोर्टी टू क्विट इंडिया मूवमेंट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाई राष्ट्रकूट डायनेस्टी राष्ट्रकूट डायनेस्टी राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कौन सा मंदिर इनमें से बनाया गया आपके ऑप्शन है कैलाश टेंपल, आदि कुंभ कुम्बरेश्वर टेंपल बृदेश्वर टेंपल या फिर चेनाकेश्वर टेंपल। तो इनमें से कौन सा जो था वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, तो के, के द्वारा बनाया गया था तो कैलाश टेंपल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर जो था वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया ये बात आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे की इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज़ गिवन सरस्वती सम्मान अवार्ड है जो किस चीज़ में दिया जाता है ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली गलत करोगे भाई मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल आप ये गलत करोगे जो भी इस क्वेश्चन को आंसर को गैस करेगा जिसे नहीं पता है वो इसका आंसर बिल्कुल गलत ही करेगा ठीक नहीं कर सकता डेफिनेटली तो हमारा यहाँ पे है कि इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज़ गिवन तो सरस्वती सम्मान जो है वो लिटरेचर के अंदर दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर म्यूजिक में नहीं दिया जाता तो सरस्वती सम्मान जो है वो किस में दिया जाता है लिटरेचर में दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये बात आपको पता होनी चाहिए सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य यानी कि लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है सरस्वती सम्मान नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने जो कि पुराना क्वेश्चन है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स लाइक मोसिस दैट ग्रोज इन मॉइस्ट ह्यूमिड एनवायरमेंट्स तो जो भी एनशियन प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट के अंतर या ह्यूमिड एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं उनकी जो स्टडी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ये बात आपको बतानी है तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इथनोबॉटनी, ब्रायोलॉजी पैलिनोलॉजी या फिर डेंड्रोलॉजी तो लॉजी वर्ड जहाँ पे भी आते हैं नॉर्मली वहाँ पे हम किसी ना किसी चीज़ की स्टडी की बात करते हैं लॉजी जो वर्ड होता है वो स्टडी के लिए एक रूट वर्ड होता है जब भी आपको लॉजी दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की स्टडी की बात हो रही है एथनोबॉटनी ब्रायोलॉजी पेलिनोलॉजी या फिर डेंड्रोलॉजी तो ब्रायोलॉजी ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स डेंड्रोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ ट्रीज़ का जो अध्ययन होता है यानी कि स्टडी ऑफ ट्रीज़ डेंड्रोलॉजी के अंदर आता है डेंड्रोलॉजी ऑप्शन नंबर डी लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ़ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड्स इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यू ऑल नो के 1942 के अंदर 1942 के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको ऐड किया गया था 1942 नहीं यहाँ पे 1976 यानी कि 42 टू बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के अंदर माफी चाहूँगा उन्नीस सौ बयालीस ने बयालीस संविधान संशोधन उन्नीस सौ छिहत्तर ठीक है इसके अंदर क्या किया गया था रिकमेंड किया गया था इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था संविधान के अंदर ड्यूटीज़ को ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने जो ली हैं वो कौन सी कंट्री से ली हैं तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं यहाँ पर तो किन के कहने पर तो ये कौन सी कमेटी थी तो वो कमेटी थी हमारी ऑप्शन नंबर डी यानी कि सवर्ण सिंह कमेटी तो स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर जो इंक्लूड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स है इसे हम और किस नाम से जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जानते हैं तो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स को हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब ये फोर्टी सेकेंड नाइनटीन सेवनटी सिक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो उस टाइम पे पीएम कौन थी इंदिरा गांधी जी पी थी उस टाइम पर यह बात आपको पता होनी चाहिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान कि अलीवर्दी खान के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला जो बना वो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना सिराजुद्दोला बना बंगाल का विभाजन कब हुआ तो 1905 में यानी कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय कौन थे वहाँ पर तो लॉर्ड कर्जन थे लॉर्ड कर्जन के टाइम के अंदर क्या हुआ बंगाल का विभाजन हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ ये बात भी आपको पता होनी चाहिए एंड एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आपका क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि हु अमंग वाज पॉपुलरली नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है यानी कि तोता ए हिंद पैरेट ऑफ इंडिया आपके ऑप्शन हैं तानसेन फर्स्ट ऑप्शन इज तानसेन सेकेंड ऑप्शन इज इबन बतूता इबन बतूता बताना है हमको पैरेट ऑफ इंडिया एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ अमीर खुसरो अमीर खुसरो और हमारा फोर्थ ऑप्शन है जलाउद्दीन बरानी जलाउद्दीन बरानी तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है तो पैरेट ऑफ इंडिया तोता तई हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर ये सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में रेगुलरली इस तरह के सेशन जो डेडिकेटेडली हैं हमारे टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम के लिए इनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें सो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत थैंक यू वेरी मच